मऊ के गौशाला में आज भाजपा के कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। ऐसा पता चला कि ये सारे कार्यकर्ता इसलिए इकट्ठे हुए थे कि वहाँ पर दशहरा मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पर वहाँ चले भाषणों से पता चला कि यह दशहरा मिलन तो था ही, साथ ही जो विधानसभा का टिकट मऊ से दिया गया है उषा ठाकुर को, उसका कहीं ना कहीं विरोध का प्रदर्शन भी था। और शायद जो वरिष्ठ नेता हैं वे ये आकलन करना चाहते हैं कि कितने लोग इस बात से खफा हैं कि उषा ठाकुर को टिकट मिला है। आइए सुनते हैं। अपने कार्यकर्ता रितेश वर्मा ने, जो अनुसूचित जाति मोर्चे का मंडल अध्यक्ष है, उसने अपना नामांकन निर्दलीय के रूप में भर दिया, तो इसके 75 वर्षीय पिताजी को थाने पर बुलाया गया दबाव बनाने के लिए कि आपको फॉर्म विड्रॉ करना पड़ेगा, अन्यथा आपके पिताजी जेल चले जाएंगे। ये दुर्भाग्य की बात है मित्रों, भाई साहब जैसे राम। और इस प्रकार की परिस्थितियों का हम सबको संघर्ष करना ही पड़ेगा। ये हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का विषय है। मैं माननीय राजस्थान भी से आग्रह करूंगा।